मकर संक्रांति के अवसर पर मोहलबनी स्थित दामोदर नदी में सोमवार की सुबह हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मोहलबनी मुक्ति धाम, चास नाला, रिवर साइड, सूर्य धाम, सुदाम टी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा को लेकर सुदामडी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार राणा के नेतृत्व में पुलिस व मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्य मुस्तैद रहे। यातायात व्यवस्था के लिए मोहलबनी बोर्ड में सुदामडी पुलिस लगी रही, वाहन पड़ाव भी बनाया गया। श्याम भक्त मंडल पाथरडी अजमेरा झरिया धनबाद ने किया खिचड़ी का वितरण। श्रीराम भक्त मंडल पाथरडी की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर मोहलबनी में लगभग 5000 लोगों के बीच खिचड़ी भोग का वितरण किया गया। मंडल के कल्लू राठी ने कहा कि कई वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ये मकर संक्रांति है, बोलिए बोलिए, कौन मनाता है? ये हमारे लिए बहुत अच्छे के दिन होता है, इसमें ना हम लोग यहाँ पे आते हैं और हर साल मनाते हैं यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं और यहाँ पे स्नान भी किया जाता है, तो हम सभी यहाँ स्नान करने आते हैं और मकर संक्रांति मनाते हैं। इस दौरान आपको क्या क्या करते हैं स्नान के बाद? जैसे नया कपड़ा पहनते हैं और हमारे घर में जो लड्डू होता है, तिलकुट का जो होता है, वो सब बनाते हैं, उसे भगवान को भी चढ़ाते हैं। चावल पीठा उठा सब लाए हैं, वो सब दान भी करते हैं। यही सब किया जाता है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है पार्वती धीवर है, ससुराल झरिया में है, हस्बैंड का नाम अशोक धीवर। ठीक। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो विगत 45 वर्षों से चला रहा है। आ वो श्याम भक्त मंडली पाथरडी धनबाद झारखंड की तरफ से ये विगत 45 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और इसमें किसी का पर्सनल नहीं है, सबका सहयोग है। कोई अर्थ से सहयोग कर रहा है, कोई शरीर से सहयोग कर रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा सहयोग कर रहा है, इसमें हर भाई का सहयोग है। और ये पहले राठी बाबू थे, उनके जिंदगी में यहाँ 5000 कपड़ा भी वितरण हुआ है, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया, वैसे आदमी मिलते नहीं हैं, तो अब खाली उनके चलाए हुए खिचड़ी भोग का प्रसाद अभी तक चालू है। बीच में एक साल भी ऐसा समय नहीं आया है जो खिचड़ी भोग का प्रसाद बंद हुआ है। और मैं श्याम प्रभु से, भगवान भोलेनाथ से आग्रह करते हैं कि इस समिति को सुमति देते रहे और ये प्रसाद वितरण बराबर चलते रहे। धन्यवाद।